हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। अभी कोरोना का तो कहर चल रहा है, तो फिलहाल अभी हाल की घड़ी में एक आज की जो मेरी वीडियो है वो है, जैसे कुछ लड़कों की होते बियर्ड आती है उसमें क्या होता है, एक पैच आ जाता है। तो हम कई बार हेयर ड्रेसर के पास भी जाते हैं या सर पे कहीं पे पैच आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग बोल देते हैं कि यार इस पे कीड़ा लग गया, वो लग गया, ये हो गया, वो हो गया, आप वो इंजेक्शन लगाओ, आप वो टॉनिक यूज़ करो, ये यूज़ करो, बहुत कुछ बोलते हैं। तो आज मैं एक सिंपल सी चीज़ आपके पास लेके आया हूँ, तो आप उसको यूज़ करिए, आप रिज़ल्ट देखिए। किसी को भी, किसी और मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन में किसी को भी कुछ भी अगर पूछना हो या किसी के बारे में आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं, तो मैं आपको रिवर्ट करूंगा। और तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, इफ़ यू विश यू कैन कमेंट आल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, आप पंसारी की किसी भी पंसारी की दुकान पे जाइए, वहाँ पे आपको क्या परचेज़ करना है, यहाँ पंजाबी में तो बोलते हैं पुलावे, आपको पुलावे लेके आने हैं। वो छोटे छोटे होते हैं, तो उनमें आप पिन मारोगे, पिन मारने के बाद क्या होता है, छोटा सा एक ऑयल टाइप निकलता है। ऑयल टाइप को क्या करना है, आपने सिर्फ एक बार उस जगह पर लगाना है जहाँ पर आपका पैच बना हुआ है। मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से वो यूज़ करना है। वो उसको पैच पे आप सिर्फ एक ही बार लगाएंगे, उसके बाद मुंह नहीं धोना है, अभी लगा कर रखना है आपको। वो क्या थोड़ा गर्म होता है, आप जब भी लेकिन उस पर पिन मारेंगे, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, जब भी आप पिन मारने के बाद क्या होगा, अगर कुछ भी ऑयल वॉयल आँख में चले जाए तो आँख ख़राब हो जाती है। याद रखिए, चाहे आप चश्मा पहन ले, चाहे कुछ भी पहन ले, वो ऑयल का बस इतना ध्यान रखना है, बाकी स्किन पर लगने कोई इतनी दिक्कत नहीं है, बस आँख में नहीं जाना चाहिए उसका छींटा वगैरह, तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या चीज़ होती है पुलावे। ये देखिए मैं लेके आया हूँ, मैं 10 रुपये के लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारी पंजाबी लैंग्वेज में तो बोलते हैं इसको पुलावे। ये देखिए, इसकी मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ। जी दोस्तों, ये मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर लिए, तो मैं लेके आया हूँ 10 रुपये में। ये देखिए ऐसे होते हैं पुलावे, ये देखिए ये होते हैं पुलावे, ये इतना साइज़ होता है इसका, देखिए इतना सा साइज़ होता है, इसको बोलते हैं पुलावा। ये देखिए 10 रुपये के हैं, उसने 4-5 दे दिए मुझे। वो लोग ऑयल भी निकाल के रखते हैं इसका बेचने के लिए, वो भी हफ्ते तक लगाने से सही हो जाता है, पर मैं आपको प्रैक्टिकल बताने के लिए लेके आया हूँ। मैं बताता हूँ किस तरह से इसको यूज़ करना है। पैची बेड की मैं इमेज आपको शेयर कर रहा हूँ, तो पैची बेड की इमेज देख लीजिए तब तक। ये होती है ऐसे पैची बेड। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली आप कब्ज के इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस एक चीज़ को करने के बाद आप इजीली आप इसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। नहीं, जिसको भी कंसल्ट सजेस्ट किया था उसके तो हेयर आ गए हैं, बस हेयर आते भी टाइम लगता है, थोड़ा भरोसा रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या है इसका, जब आप ऑयल लगाओगे उससे क्या होगा, थोड़ा सा जख्म टाइप एकदम से नहीं बनेगा, यानी जैसे आपने लगा लिया ऑयल तो 1-2 दिन तक शायद वो जख्म सा बन जाए, जख्म गहरा नहीं होता, स्किन पर ही होता है। तो क्या होगा, वो नई स्किन आएगी जब ऑटोमेटिक उसमें से हेयर भी आएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और इसको थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करें, एकदम से ये नहीं कि आप एक साथ ही बहुत सारा एरिया को कवर कर लें, वो गलत है। आप थोड़े से एरिया पे लगा के देखिए, आपको रिजल्ट मिलता है तो आप पूरा कीजिए। आप थोड़े से एरिया पे लगाइए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल थोड़े से एरिया पे लगाइए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से इसका ऑयल निकालना है। जी देखिए, अब मैं ये लेके आया 2-3 चीज़ें, एक ये ले आया हूँ आइस को तोड़ने के लिए होता है, या फिर कंपास भी ले सकते हैं। एक ये देखा होगा, मेडिकल लाइन वाले समझ सकते हैं क्या करना क्या है। देखिए यार, एक तो मैं अकेला हूँ, मेरे पास ट्राइपॉड था वो भी गुम हो गया है। ये देखिए, ये ऑयल देख रहे हैं आप, बस कुछ नहीं करना है। ये ऑयल बहुत गर्म होता है, याद रखिएगा, गर्म इन तरह से ये नहीं कि आपका हाथ जलेगा, पर ये जो ऑयल निकल रहा है देखिए आप, मैं दिखाता हूँ थोड़ा डिटेल में अभी रोशनी की तरफ करके। ये देखिए, ठीक है, ये बहुत गर्म होता है। आपने क्या करना है, ये देखिए आप इसको दबाएंगे, इसमें से ऑयल निकलेगा। मैं बताता हूँ, ये देखिए जैसे ऐसे दबाएंगे तो इसमें से ऑयल निकल रहा है। ये देखिए, बस इसमें ये ध्यान देना है कि आँख को बचाकर, बस कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक पुलाव आपके लिए ये ख़राब किया है, आप करके देखिए। तो
इस ऑयल को आपने यूज़ करना है, धीरे धीरे दबाइए, निकलता जाएगा इसमें से ऑयल, क्योंकि ऑयल बस इस ऑयल को लेके, इस ऑयल को आपने डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। ये देखिए मैं हाथ भी लगा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं कि इसमें कुछ बम फूट जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये आयुर्वेदिक चीज़ है। ये थोड़ा गर्म होता है, बस आपने जहाँ पे पैची बियर्ड है वहाँ पे ऐसे करके लगा देना है बस। सब लोग कहीं पे भी, अब मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ, यानी कहीं पे भी लगाया तो कहीं पे भी वो है, आपको दिक्कत है। ये देखिए आप दबाएंगे तो इसमें से निकलेगा, ये देखिए मैं हाथ से दबा रहा हूँ तो इसमें से ऑयल निकलेगा, ठीक है। तो आप हाथ से ना दबाइए, आप किसी और चीज़ से दबाइए। तो ये देखिए मैं वैसे हैंड वॉश कर लेता हूँ, तो ये वहाँ पे लगाना है यहाँ पे, क्योंकि मेरे तो कोई दिक्कत नहीं जो थी वो सही हो गई है, तो मैं बताता हूँ आपको। से दोस्तों आप लोग समझ गए, बस इसमें आपने पिन मारनी है तो इसमें से ऑयल निकलेगा, तो उसी ऑयल को आपने कहीं पे भी, जो पैची बियर्ड है कहीं पे भी आप लगाओगे, ऑटोमेटिक हेयर आ जाएंगे। जब आप ऐसे हेयर आएंगे आपको कोई बोल नहीं सकेगा आपके पैच पड़ा हुआ था कहीं पे भी, देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इसको। ये एज यूज के साथ कोई मैटर नहीं करता इसका। अब ये नहीं है कि, चलो ये कि बच्चों के साथ थोड़ा परहेज रखना चाहिए ताकि कहीं आँख उख में ना इसका ऑयल लगा ले, तो बस ये है कि कोई सावधानी से लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ यू विश यू कैन कमेंट आल्सो। और मेरी अगर किसी भी आपको वीडियो चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में तो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो दूंगा। आपको किसी भी बीमारी के रिगार्डिंग, आपको कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन के चीज़ के बारे में आपको अगर कुछ भी चाहिए, कहने का मतलब आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मैंने पाइल्स की वीडियो अपलोड करी थी उस टाइम मेरे पास इतना सेटअप वगैरह कुछ अच्छा नहीं था, तो वो इतनी अच्छी तरह से वैसे रिकॉर्ड नहीं हुई है। अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार दोबारा से उसको लोड कर दूँगा, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। और अगर आपको कोई और भी चाहिए वीडियोज़ अगर किसी भी बीमारी के बारे में तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आई होप किसी को किसी चीज़ में अगर फ़ायदा होता है तो मैं समझता हूँ मेरे लिए तो पुण्य है एक तरह से। अब कहने का मतलब ये है कि किसी का अगर भला हो रहा है ठीक है, ट्राई करने में क्या जा रहा है, ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। अगर आपका सब कुछ, यानी मेरा कहने का मतलब आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, अगर फिर भी क्या पता होता है कि उस चीज़ से आपका कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह सही हो जाए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो को मैं ओवर करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप जहाँ भी ट्राई करें इस चीज़ को बिल्कुल थोड़ी जगह पे ट्राई करें और अपने रिस्क पे ट्राई करें, क्योंकि अगर आपको कोई पहले से स्किन की प्रॉब्लम है बाद में वो हो जाए, बाद में आप बोलो यार प्रदीप ने तो बोला था उस पर यार ऐसा बोला था वैसा, ऐसा नहीं है। आप थोड़े एरिया पर ट्राई करिए और ये करना भी थोड़े एरिया में, क्योंकि थोड़ा सा जब भी आप करोगे तो उसमें थोड़ा सा, मैंने आपको बताया थोड़ा ऊपर से, यानी उसकी स्किन पर जख्म टाइप बन जाएगा, वो गहरा नहीं होगा स्किन पर ही होगा ऊपर ही, तो तक क्योंकि क्या होता है वो स्किन उतरेगी तो ही अंदर से वो जख्म मतलब छिलका सा आएगा स्किन का, तो ही नई फ्रेश स्किन आएगी नीचे, उनमें बाल आएंगे। तो ये है भी महीने बाद आ जाएंगे बाल, महीने डेढ़ महीने बाद, तो ये याद रखिएगा बट मेरी बात का, एक महीना डेढ़ महीना दो महीने में आ जाएंगे, पर लगाना एक ही बार है आपको, दूसरी बार नहीं लगाना है। और प्लीज़ थोड़ी सी थोड़ी जगह पर लगाएं, क्योंकि आप ज़्यादा जगह पर लगा लोगे वो छिलका ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो सोजिश हो जाए क्या होता है ऐसा, इसलिए आप हमेशा बोलना जैसे मेहंदी के पीछे लिखा होता है ना कि आप प्लीज़ इसको कान के पीछे थोड़ा सा लगाएं, या किसी भी लगाएं, किसी भी मेहंदी के पैकेट पे देख लें, चाहे गार्नियर गुर्नियर कुछ भी ले लो, चाहे सब पे लिखा होता है कि टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा कान के पीछे लगा ले कि आपकी स्किन के साथ रिएक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मेहंदी का ये दिया होता है, उसमें क्या होता है आपकी स्किन कैसी है, हमें अब ये नहीं पता कि स्किन में आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है कुछ भी चल रही है, तो इसलिए क्या है मेरा कहने का कि मतलब थोड़ी सी एरिया पर लगाइए बिल्कुल, क्योंकि इसकी स्किन पर जो जख्म छिलका सा बनेगा वो ज़्यादा एरिया पर बनेगा तो पेन भी हो सकती है, उसे थोड़े एरिया पर लगाएं। अब मेरी बात मानिए, आप थोड़ी एरिया पर लगाइए और आप रिजल्ट देखिए, और कल को मुझे मत ब्लेम करिए, आप अपने मेरे पे भरोसा तो करिए, भगवान पे भरोसा तो करिए, जो भी करना है करना, भगवान नहीं है, बस आपको थोड़ा एफर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं।